हम जा रहे हैं आज लेप्चा फॉल्स की तरफ। गाइस मैं लिटरली गुम हो गया था, मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। इट इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। हियर इज हे व्हाट इज अप पीपल। तो मैं निकल चुका हूँ अनदर एडवेंचर के लिए, रेडी हो चुका हूँ फिलहाल। एंड हम जा रहे हैं आज लेप्चा फॉल्स की तरफ। वे के 8 बज रहे हैं एंड वी हैव अ क्लियर स्काई राइट बिहाइंड मी एंड अनदर एडवेंचर। क्या आप रेडी हो? तो ये रहा लेप्चा फॉल की लोकेशन, ठीक है। एंड जहाँ से मेरा घर है, यहाँ पे मेरा घर है। एंड ऑल द वे टू लेप्चा फॉल इन द गूगल मैप, लेप्चा फॉल्स यहाँ से है करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा रास्ता है एंड 48 किलोमीटर्स। तो गाइस व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें फ्यूल डलवाने जाना पड़ेगा बिकॉज फ्यूल बहुत ही ज़्यादा कम है। ओनली 2 स्पाइक्स। एंड रहा बात वेदर का, द वेदर इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव बिकॉज आसमान बहुत ही ज़्यादा साफ है। सो लेट्स गेट टू द पेट्रोल पंप। फाइनली 200 रुपये का पेट्रोल डाल दिया मैंने एंड द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल। एंड अभी फिलहाल हम लोग नौका घाट से होके जाएंगे। लेट्स मीट अप देयर मैन। तो ये रहा वो बोर्ड, वेलकम टू द मैजेस्टिक माउंटेन्स एंड मेजमराइजिंग डूअर्स। गाइज हम लोग शिवक ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ब्रिज बंद है, यू हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स राइट नाउ। यहाँ से अभी ट्रेन गुजरेगी तो तब तक एक बार गूगल मैप पर देख लेते हैं और कितना दूर। एज पर इज गूगल मैप वी नीड टू गो 8.3 किलोमीटर्स। नो वी हैव टू गो 20 किलोमीटर्स एंड 57 मिनट्स दिखा रहा है, मैंने बोला था। सो आई गेस देयर इज बिट ऑफ ट्रैफिक बट कोई बात नहीं। सो यू विल जस्ट वेट, अब ट्रेन जाएगी। तो जब तक ट्रेन आता है आई डिसाइडेड कि सुंदरी को थोड़ा पोस्ट किया जाए एंड देयर वी कैन हेयर द ट्रेन। एंड वो जा रही है 2081 इंडियन रेलवे। एंड ट्रेन खत्म हो गया, अब लगेगा अलग सी रेस। जैसे ही उठने वाला कौन निकलने वाला है पहले। सो वी हैव टेकन द लीड। हाँ ऐसा है गाइस, करते तो नहीं है, मैं ज़्यादा जाम रहता और मैं ज़्यादा पीछे रहता तो मैं ज़रूर नहीं करता, बट सामने था। ये मंदिर है एंड द सेकेंड वन कम्स राइट नाउ। तो ये देख सकते हो गाइस, तो भगवान सक्सेसफुली ये ट्रिप करवा देना विदाउट एनी प्रॉब्लम प्लीज। यहाँ बहुत बंदर हुआ करते थे, मेरे को आज एक भी दिखे। एंड द कॉरोनेशन ब्रिज। तो हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस वे। जैसे कि आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, वेलकम टू NH10 मेनली रामपुर सिंटम। सारे हिल स्टेशन जो है ना
तो सिक्किम के हिल स्टेशन यहाँ से ही होके जाते हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर। वो रास्ता दिखेगा? रास्ता नहीं, वहाँ तक जाना है आपको। सीधा जाना है तो? हाँ सीधा, वहाँ पे एक झरना है ना। हाँ वहाँ तक जाना है। ऐसा वाला रास्ता है हाँ, थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा आगे जाके। हाँ यहाँ से 3-4 मिनट लगेगा। ओके ओके, ऐसा ट्रैफिक है, ऐसा थोड़ा आगे ऐसे वाला रास्ता है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। तो आई फाउंड दिस मैन, मैंने इनसे हेल्प मांगा एंड ही ऑल्सो आस्क फॉर अ लिफ्ट, मैंने लिफ्ट तो दिया। आई गेस मेरे को पता नहीं क्या डायरेक्शन बोल रहा है, आई हैव नो आइडिया। हालांकि यहाँ टावर्स की भी तो थोड़े लूचे होते हैं, आई हैव नो आइडिया गूगल मैप में ऐसा ऐसे क्यों कर रहे हैं। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस प्लेस, दिस इज सच ऑसम थिंग। तो गाइज मैं लिटरली गुम हो गया था, मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है क्या करना है, इसे मैंने ब्लॉगिंग भी बंद कर दिया था, नो आइडिया वेयर टू गो। एंड फाइनली मेरे को जहाँ तहाँ से लोकल से पूछ के यू नो आई फाइनली फाउंड आउट कि रास्ता कहाँ से जाना है एंड आई एम ऑन द वे, लेट्स रीच। एंड मेरे को ये जगह दिख गया ना, दिस इज़ सो ऑसम, दिस इज़ वंडरफुल। तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फाइनली बहुत ही ऑफ रोडिंग करने के बाद, बहुत लोगों से पूछने के बाद, बहुत लोगों से मिसगाइड होने के बाद, वी आर एट लेपचा फॉल का साइन बोर्ड एंड विल गो दिस वे। मेरा हेलमेट का माउंट ना बम्पर्स के वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, सो विल फॉलो दिस रूट आई विल गो। एंड स्कूटी जितना दूर जाएगा मैं उतना दूर इसको लेके जाऊँगा, ज़्यादा इसको फोर्स नहीं करूँगा बिकॉज बहुत दूर आ चुका है। तो गाइज मैं साइन बोर्ड के नीचे अपना गाड़ी रखूँगा एंड कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहाँ से मैंने एक बार जस्ट जाके मुआयना करके आया एंड आई जस्ट सॉ कि वहाँ से गाड़ी उतरेगी नहीं, उतरेगी तो उठेगी नहीं। आई वोंट टेक दैट रिस्क, आई जस्ट हुक माई हेलमेट टू माई बैग फ्रॉम बिहाइंड और मैं ट्रैक करना शुरू करूँगा। एज फार एज द लोकल्स वो बोलते हैं 1 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं कर लेंगे वो भी। और मैंने हुक कर लिया अपना बैग और बैग को हेलमेट से एंड गाड़ी का हैंडल भी लॉक, आई होप इट्स स्टे सेफ। बहुत दूर आया हूँ मैं फिलहाल, आई डोंट नीड माई ग्लव्स ऑल्सो, तो ग्लव्स खोल के भी रख देंगे। वी आर ऑल रेडी टू गो, लेपचा फॉल हमारा है। तो गाइज मैं अपना ट्रैक शुरू कर चुका हूँ, बहुत टायर्ड हूँ एंड मैंने जितना यूट्यूब में देख के आया था लोकेशन ऑफ द वाटरफॉल मैं उतना तक जाने की कोशिश करूँगा। हाँ बस मैं एक लोकल के घर के पीछे से जा रहा हूँ तो कोई अगर है तो। एक्सक्यूज मी, कोई है घर पे? एक्सक्यूज मी, लेपचा फॉल जाने का रास्ता कहाँ बना हो? ऊपर से, ऊपर से नीचे से नहीं? ओके थैंक यू दादा। कौन सा ऊपर? ऊपर ही बरा ऊपर। हुन्छ हुन्छ थैंक यू। ऑल द रेनो नेपाली यतै है एंड सो टायरिंग इज अ क्यूट पपी ऑन द वे एंड लोकेशन का गाइड थोड़ा सा अंकल से मिल गया। लेट्स रन टुवर्ड्स इट, लेट्स फाइनली लोकल वाले। आप जाओगे मेरे साथ? चलो। आपका नाम क्या है? सोनम। वाटरफॉल कितना दूर होगा? 5 मिनट्स बट लग तो रहा है बहुत दूर है। चलो। सो आई गॉट अ स्मॉल बडी, एक बार देख के हाय बोल दो। हाय। तो दे लीडिंग मी टू द वाटरफॉल, जा रहे हैं फिलहाल एंड बहुत गर्म है। यहाँ पे लोग कितने आते हैं? आज कोई आया था? सो इज द टिकट 50 रुपीज एंड आई जस्ट सैट डाउन टू हैव सम वाईफाई। पहुँच तक चुका हूँ, सुबह से कुछ नहीं गया एंड ये कुछ नज़ारे। Finally, it's time to have some Wi-Fi. Take it.
टिकट 50, वाई वाई 30 एंड पहले खा लेते हैं, उसके बाद छोटा पार्टनर मेरे को लेके जाएगा ऊपर, है ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। इसका सीजन कब होता है? अभी नवंबर दिसंबर है। नवंबर दिसंबर में पूरा पक जाता है? दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा सर। दिवाली के बाद स्टार्ट? हाँ, ये वो कलर बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा है ना, बड़ा बड़ा। ये सब ऑरेंज ट्रीज, ये पूरा है, फल लगा है, पूरा फल लगा हुआ है। वो पूरा गार्डन देखो ना सर, गार्डन पूरा हरा भरा, पूरा फल लगा है। नवंबर दिसंबर में इसका सीजन लगता है, तो कि कोई अगर देख रहा हो और किसी को आना है, विजिट करना है, तो डू कम। पूरा पूरा फॉरेस्ट है एंड चल पड़े आराम से। वाटरफॉल है अभी कमिंग। ठीक है, बेल को देखने के लिए आए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। छोटे ऊपर तक लेके जा। बहुत बार मैंने ये जगह देखा है ब्लॉग्स पे, घरों के पीछे से, और हर बार आप लोग गाइड बनते हो ना सोनम। अच्छा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड तो ये एक स्मॉल झरना, इसका नाम है कुछ, हाँ इसका कुछ नाम है इस वाटरफॉल का? सिर्फ वाटरफॉल है, इज अ वाटरफॉल। तो ये एक छोटा सा वाटरफॉल गनीमत है, यहाँ का जो मालिक जिनको मैंने दिखाया अभी, उन्होंने ये ब्रिज बनवाया है। इट्स प्रीटी मच हेल्पफुल बिकॉज आप देख सकते हो इट इज़ वेरी डेंजरस टू क्रॉस, अगर ये ब्रिज ना हो तो बहुत आसान कर दिया। एंड लेट्स वॉक अप। सोनम कहाँ बड़ा जानवर सर, जुम 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 जुम। एंड मेरा छोटा गाइड का नाम है सोनम, लेप्चा फॉल का गाइड, एंड He's walking pretty fast, so I have to be fast. And here's the place. तो ये जो चट्टान देख रहे हो, हमें यहाँ से होके जाना पड़ेगा। आई एम वेरी टायर्ड टू वॉक, और मेरा छोटा पार्टनर भी, सांस फूल गई। दिन में यहाँ पे कितने लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं। मॉनसून का टाइम चल रहा है अभी, आई होप वाटरफॉल का सोर्स जहाँ से वाटर आ रहा है थोड़ा भर भर के आ रहा होगा। पूरा हेवी वाटरफॉल है ना वहाँ पे, ना छोटा थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, अली अली की बेसी बेसी पानी आऊँ सर, बेसी बेसी। दिस गाय इज लिटिल शाय। तो चले चलो चलो, यहाँ से दिख रहा होगा कि नहीं पता, लेकिन यहाँ से वाटर पार्टिकल्स उड़ उड़ के आ रहे हैं। टिबेटियन फ्लैग दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा ऊपर जाने से ही मेरे को दिख जाएगा। लेट्स वॉक, आई कैन नॉट स्टॉप। एंड हियर इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हियर इज लेप्चा वाटरफॉल। सूरज की वजह से दिख नहीं रहा होगा प्रॉपरली। पहले मैं अपना बैग खोलूंगा, कैमरा का सेटिंग मिलाऊंगा, एक्चुअली आपको दिखाऊंगा कि मैं देख रहा हूँ क्या, हो क्या देख रहा हूँ मतलब। क्या तुम हंसते नहीं हो? क्यों? एंड दिस प्लेस इज हेवन डूड, लिटरली हेवन। तो I'm coming closer to the lecture falls and he is here. Chalo. This is the closer look of the lecture fall aur main filhal iske paas जा रहा हूँ। यहाँ बहुत स्लिपरी है एंड दिस इज द लेप्चा फॉल।
आप देख सकते हो वाटर पार्टिकल्स कितने जोर शोर से आ रहे हैं। वाओ गाइस, लिटरली मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ ना, इट्स वर्थ इट। आई एम अश्योरिंग यू, GoPro में ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, मेमोरी कार्ड में खाली है स्पेस, एंड आई एम गोइंग टू डाउन। लुक एट दिस मैन, यू डोंट गेट टू सी दिस एवरी डे। मैंने बहुत गाड़ी चलाया आज, बहुत कांड हुए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जस्ट बियॉन्ड ऑसम। पानी में उतरा नहीं है, बट आई एम स्टिल वेट क्योंकि ये इतना ड्रिजल कर रहा है, इतना आ रहा है पानी नीचे। कांट रियली एक्सप्लेन, एंड माय छोटा पार्टनर इज प्लेइंग ओवर देयर अपने ही दुनिया में, एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। तो गाइस, यहाँ पे अपने छोटे से दोस्त ने कैमरा साफ कर लूँ मछली पकड़ के लाया है। तो मछली कैसे पकड़ा आपने? आपसे एंड मैं लिटरली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मछली है मेरे हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे हाथ में छोटे छोटे मछलियाँ हैं, दो मछलियाँ इन्होंने पकड़ के लाया है। तो यहाँ पे आके मछली पकड़ते हो तुम? सच अ टैलेंट, दे आर टूरिंग दिस प्लेस राइट नाउ, मछली पकड़ लेते हैं। यार मैं क्या बोलूँ, दिस प्लेस इज सो अमेजिंग राइट नाउ, बोल नहीं सकते, इट्स सो अमेजिंग। तो गाइस, मी एंड माय लिटिल फ्रेंड डिसाइडेड कि हम लोग थोड़ा नहाएंगे यहाँ पे। नहाएगा मेरे साथ? तो हम लोग को नहाए, कहाँ नहाएंगे, कहाँ पे? दे इज़ अ लिटिल थोड़ा सा जमावड़ा है पानी का, वहाँ पे जाके नहाएंगे। ये आराम से बैठा है, ये भी बोला कि नहाएंगे साथ में, चलो नहाएंगे, जाएंगे ना बिल्कुल। एंड ये कुछ इस तरीके से है गाइस, इट्स ब्यूटीफुल। अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आइए, तब तक मैं इनके साथ नहाता हूँ। आपको ही जाना है, चलो लेके चलते हैं। तो व्हाट इज अप गाइस, मैं आ गया नहाने, नहाने का प्लान बिल्कुल नहीं था, बट दिस गाय एंड सोनम नहा के मजा आ रहा है। एंड Nothing is happening, anything serious. बड़े मज़े आ रहे हैं, मेरा वाटर प्रूफ वॉच का भी मैं टेस्टिंग कर ले रहा हूँ। तो आपको भी अगर आके नहाना है यहाँ पे एंड आपको ये वाटरफॉल विजिट करना है तो मेक श्योर आप आए, तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। तो गाइज, मेरा बैटरी हो गया डाउन, GoPro का शावर ले लिया मैंने, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। यू कैन सी द वाटरफॉल राइट बिहाइंड मी अप, एंड मेरे जो गाइड है छोटे से वो वहाँ पे कपड़े सुखा रहे, या देर फोन के साथ पता नहीं चलेगा उतना, बट या दिस इज़ अ मैग्निफिसेंट प्लेस टू विजिट, डू विजिट दिस प्लेस। एंड मम्फू से होके आना, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, मम्फू से नहीं आया, देवर लॉट ऑफ पीपल जो मिसगाइड कर रहे थे मेरे को, दो तीन लोगों के सजेशन से मेरे को काम आए, एंड दैट्स इट। आई एम वेरी टायर्ड गाइज, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, अब तक के लिए बाय बाय।